नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम एक ऐसी दवा की चर्चा करेंगे कि जो लोग जवानी में बूढ़े से दिखने लगते हैं उनके लिए यह दवा बहुत उपयोगी है। तो आइए चर्चा करते हैं कि वह कौन सी दवा है। दुबले पतले युवक या पतली दुबली स्त्री जो जवानी में ही बुढ़ापे जैसी अवस्था में पहुँच जाती हैं, 30 वर्ष की आयु हो और 50 वर्ष की लगती हैं, चाहे ऐसे बच्चे हों जो बूढ़े से लगने लगे, ऐसों के लिए एम्ब्रा ग्रेसिया बहुत ही उत्तम औषधि है। उनके अंगों में कमजोरी के कारण कंपन, चलने में लड़खड़ाहट, विचार शक्ति की कमी, सब कुछ भूल जाना, ये लक्षण भी दिखाई देते हैं। वे बात करते हुए भूल जाते हैं कि क्या कहा था, प्रश्न करेंगे तो उत्तर सुने बिना दूसरा प्रश्न कर डालेंगे। कई नव युवकों में मन की ऐसी कमजोरी आ जाती है, वे पागल तो नहीं होते परंतु मन कमजोर हो जाता है। वृद्ध लोगों में स्नायु दौर्बल्य का यह लक्षण भी पाया जाता है कि एक क्षण में तो वे बिल्कुल हतोत्साह निराश दिखाई देते हैं, फिर कुछ देर बाद स्वभाव की उग्रता दर्शाते हैं। इस प्रकार के स्नायु दौर्बल्य में वृद्ध पुरुषों के लिए भी एम्ब्रा ग्रेसिया दवा से लाभ होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति सुख दुख, शुभ अशुभ सब बातों के प्रति उदासीन हो जाता है, उनकी सोच विचार की मानसिक शक्ति का ही पूरा ह्रास हो गया होता है। प्रातःकाल सोकर उठने पर इन लोगों की मानसिक स्थिति सहज नहीं होती, वे अपने को स्वप्न किसी अवस्था में पाते हैं। ऐसा रोगी दूसरों के बीच में जाने से भी परेशान हो जाता है। तो ऐसे रोगी जो जवानी में ही बूढ़े से दिखने लगे, स्नायु कमजोर हो जाए, उनको एम्ब्रा ग्रेसिया 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करना है। 2 बूंद दिन में 3 बार जीभ पर टपकाना है। ऐसी समस्या में आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। कई पेशेंट मेरे पास आते हैं और वो खुद ही बोलते हैं कि वो 20 साल के हैं या 30 साल के हैं पर दिखने में 50 साल के लगते हैं। उनकी स्नायु काफ़ी कमज़ोर हो गई है, उनकी विचार शक्ति कमज़ोर हो गई है, मन की शक्ति कमज़ोर हो गई है और देखने में खुद भी वह 30 साल के नहीं लगेंगे, 40, 50 या 45 साल के लगते हैं। उनके लिए एम्ब्रा ग्रेसिया दवा ही उपयुक्त दवा है। 2 बूंद दिन में 3 बार कुछ समय तक लें, 1 महीना 1.5 महीना बिल्कुल, तो आपको ऐसा समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। अगर वीडियो देखने के बाद भी समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पर दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। याद रखें, 2 दवा लेने के बीच हमेशा 10 से 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रिक्वेग, SBL, एडल किसी भी कंपनी का दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी हैं। धन्यवाद।